हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम टर्मन महोदय के बुद्धि लब्धि परीक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे उन्होंने कई चरणों में विभाजित किया है, जिससे हमें पता लग सके कि इस बुद्धि लब्धि के बच्चे को हम इस बुद्धि के नाम से बता सकते हैं। जैसे 0 से 25 बुद्धि लब्धि जड़ बुद्धि, 26 से 50 बूद्धि लब्धि को मूढ़ बुद्धि, 51 से 70 बुद्धि लब्धि को मूर्ख या अल बुद्धि, 71 से 80 बुद्धि लब्धि को क्षीण या निर्बल बुद्धि, 81 से 90 बुद्धि लब्धि को मंद बुद्धि, 91 से 110 बुद्धि लब्धि को सामान्य बुद्धि, और 111 से 120 बुद्धि लब्धि को श्रेष्ठ बुद्धि, और 120 बुद्धि लब्धि से 120 से 140 बुद्धि लब्धि को अतिश्रेष्ठ बुद्धि, और 140 से जो ऊपर के बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं उन्हें कुशाग्र या प्रतिभाशाली बुद्धि कहते हैं। नमस्ते।